वृदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक शिव मंदिर है। ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और पीतल के ढलाई के कामों में चोलों की शानदार उपलब्धियों को दर्शाते हैं। इसका निर्माण चोल सम्राट राजराजा ने 1985 से 1012 ईस्वी के बीच करवाया। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया जाता है। इस भव्य मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर के गुंबद पर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मंदिर का गुंबद अपने आप में एक आश्चर्य है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह भी है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। ये एक विशालकाय पत्थर से बना है जिसका वजन 80 टन से भी अधिक है। उस जमाने में जब कोई क्रेन या लिफ्ट वगैरह नहीं थी, इतने विशाल पत्थर को कैसे स्थापित किया गया होगा। इस मंदिर में एक और आश्चर्य की बात यह है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। मंदिरों के पत्थरों पिलरों को एक दूसरे से सीमेंट या किसी दूसरी चीज से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह से काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इसे दक्षिण भारत में भवन कला के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। 13 मंजिल वृद्धेश्वर मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। मंदिर में प्रवेश करने पर गोपुरम के भीतर एक चौकोर मंडप है। वहाँ चबूतरे पर नंदी जी विराजमान है। नंदी जी की ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची पूरे भारत में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी जी की ये दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर आदमकद में बने चित्रों में सरस्वती, दुर्गा, भिक्षांत, वीरभद्र, कालांतक, शिव और अर्धनारीश्वर के आलिंगन रूप को दर्शाया गया है। वास्तुकला के आश्चर्य इस मंदिर को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।